हेलो दोस्तों, नमस्कार, कशे हाथ, स्वागत है तुमसे हमारे चैनल पे। आमचा चैनल वरती, आमचा रिएक्शन चैनल वरती विथ मराठी कपाल। ओके फाइन, कहीं नहीं यार, चलता रहता है, तो ऐसा नॉर्मल है, तो आप भी जानते हो यार, चलता रहता है। देखो, हमें समझ में आती है, लाइक मैं अपना बता दूं, इससे तो बोलना भी बहुत अच्छा था, मैं अपना बता दूं, मुझे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, इसको अच्छे से आती है, झूठ बोलती है ना, ये पता है, यहाँ पे सिंपथी गेन करने के लिए करती है, कि जैसे कुछ गड़बड़ हो जाए ना, मैं बोलती हूँ समझ में आती है, मराठी नहीं आती है, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत अच्छी मराठी बोलती है ये। नहीं, इतनी अच्छी नहीं बोलती यार। तो चलिए, देखो अब क्या हम लोग मूवी, मराठी मूवीज का ट्रेलर और गाने लेके आते हैं, क्योंकि इसलिए ताकि हमारी जो मराठी लैंग्वेज है वो भी ज्यादा अच्छी हो सके, पहला और मराठी प्रमोट हो सके, इंडस्ट्री को प्रमोट कर सके। ओके, सो जैसे हमको पता है कि बहुत जगह अलग अलग हिस्टोरिकल मूवीज हमारे सामने आती जा रही है, हमने इसके पहले बलोच का ट्रेलर और टीजर रिएक्ट किया था, नाउ एक नई मूवी आई है जिसमें छत्रपति शिवाजी महाराज के ट्रेलर मूवी आने वाली है ना, मूवी आने वाली ओके, मूवी आने वाली है, ट्रेलर आया है राव रंभा। तो राव रंभा जो ट्रेलर है, इसमें इन लोगों ने बताया है, ये छत्रपति शिवाजी महाराज के जो सेनापति थे प्रताप राव, उनके साथ में जो छह चिलेदार थे, मतलब उनके जनरल या फिर अपने खास कह लो, या छह खास दोस्त, क्लोज वंस, जो मेंबर्स जो जो अपनी टीम को बांधे रखते हैं, एक टीम कह लो, छह लोगों की टीम थी, मतलब टोटल मिलाकर 7 लोगों की टीम थी, और ये लड़ते हैं, हाँ ये हेड थे, और बहलोल खान के साथ, इनकी जो बहलोल खान की जो सेना के साथ थे, इन लोगों ने लड़ाई करी। मैं ना शिवाजी छत्रपति महाराज के बारे में सब पता है ना, हाँ। तो पर इनके साथ जो इनके ये हमेशा हाँ, ये कहते हैं, ये हमेशा जगह, हमने कितनी भी मूवीज देखी है, जितनी बुक्स पढ़ी है, इनमें ये कहते हैं कि मेरे जो ये इनका एक पर्टिकुलर वर्ड है, मावड़े, मावड़े जो मेरे मावड़े, वो मेरे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट, वो ही इम्पोर्टेंट है, वो मेरी जान है, हाँ, मतलब मैं अकेला कभी कुछ कर ही नहीं सकता था, अगर ये मेरे इतने अच्छे प्रशस्त मावड़े मेरे साथ नहीं होते, मेरे दोस्त ही मेरे कह लो, हाँ। मेरे साथ नहीं होते तो मैं जीत ही नहीं पाता यहाँ तक। तो चलिए बिना देरी के ट्रेलर को स्टार्ट करते हैं, बहुत सारी बातें हो गई हमारी तरफ से, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो डू सब्सक्राइब, लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी छोड़ना का, और कोई भूल चूक हो गई हो तो माफ कर देना। रणांगण मराठ्याच्या रक्तात असते, त्याला उपजतच एक तलवार असते आणि ज्ञान असते, नसती ती फकस्त ढाल, त्यासाठी धाडस लागते, या धाडस आणि धाडसाचा हंगाम म्हणजे यो रावजी, हर हर महादेव, घोड्यावर हुकूमत, नजर तेज, सवाल एकच, टकमकटोकाची भीती नाही वाटली, भीती प्रतापगडाच्या पायथ्याचीच वाघ नख्यात बदलली ना अफजल खान टर्कन फाकी। ये जो इन्होंने जो भी डायलॉग बोला है ना, ये डायलॉग वो अफजल खान को जब इन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज ने जब चाकू अपने नख से मार दिया था, वाघ नख जिसको बोलते हैं, उससे मार दिया था, वो डर गया था, ऐसा बता रहे हैं। प्रतापराव, दूसरा वाघ नख है वो, अपने बोटातून शत्रुच्या पोटात जाणार। काय मग नाव काय त्यांचं? अव माझं लगीन तर तलवारशी लागलंय ना, राजांचं सरणवत आहे रावजी, आम्ही गोष्टी पोहोचतात कानावर, चांगलं मुहूर्त बघू, एक जो मैं बहुत अच्छी बात बताऊँ, कितने हमने अभी मूवीज के ट्रेलर देखे, उन सब में इनकी जो वाइफ्स है उनका बहुत इंपॉर्टेंट, लाइक फीमेल पावर जो हम शक्ति कहते हैं, ये बात सही कह रही है, सब में लाइक शिवाजी के साथ भी उनकी, लाइक छत्रपति शिवाजी, अरे लाइक छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ भी उनकी मदर उनके साथ, यहाँ पे उनकी वाइफ थी, हमने बलोच में देखा उनकी वाइफ, उनके साथ, मतलब एक फीमेल का स्ट्रॉन्ग होना बहुत जरूरी, इनके सपोर्ट में होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी, और ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज है मुझे लगता है। तुमच्या अंगावरती फुलांची पखरण होणार, तिथे आता या ठिणग्या झाडायला लागले, विजापुरात कारस्थानाचे नागिण सळसळू लागले, तो बहलोल फेचा त्याला, आणि हा आमचा आदेश आहे, महाराजांचा खर मरीत खलीत आलाय सर नोबतांना, मला गेलं पाहिजे, लगीन सोडून तुम्ही मला साता नवसानं भेटलाय, हे बरं दिसल का? आपलं सरनोबत भी स्वराज्याला साता नवसानं मिळाल, त्यांच्या मस्तकाव गनिमाच्या तलवारी, आणि माझ्या फुलाच्या अक्षता, हे बरं दिसल का रंभा? अच्छा,
ये है रावजी और रंभाजी की स्टोरी, तो इसलिए राव रंभा। वाव यार, नाम को कितना बहुत ही टाइटल। अरे तुम्हारा मैत्र आहेस तव, अरे सांग की असते, अरे मला हेर म्हणून धरलाय। इथं निष्ठा चालती है, वशिल्याची विष्ठा नाही। झुकोगे तो बचोगे। रगात नाही वाहत, वाहत त्या ते शिवाजी राज। एक चूक केलीस भरले माडवात उठून नाही आला पाहिजे होतस। मौर गनिमाची तलवार असताना म्या माग हटायचो नाही। आधी स्वराज्य आणि मग आपला संसार। एक रंभा एक नाव, एक नाव राव रंभा। भाई स्वराज के लिए क्या क्या सेक्रीफाइस नहीं किए इन लोगों ने। शादी दी, शादी छोड़ दी, क्योंकि स्वराज्य पहले संसार बाद। ये सब लोगों ने किया है, पता ये है? सब लोगों ने किया। और एक अपन ने भी अजय देवगन की मूवी आई थी ना इनके ऊपर, तानाजी के ऊपर, उसमें भी ये था ना उनके बेटे की शादी। हाँ, थी। हाँ, हाँ। और वो पहले स्वराज्य के लिए गए थे, बोले बेटे की शादी तो हो जाएगी। तभी तो वो जो स्ट्रगल था हमें आज समझ में आ रहा है कि वो कितना जरूरी था। अगर सोचो वो तब नहीं हुआ होता तो हम लोग आज होते ही नहीं, समझ लो। या इंडिया को जिसको हम ऐसा कहते हैं कि हमारा देश लाइक प्राउड नेशन, और जो हमारी जो चीजें हैं जो हमें अभी भी पता चल रही है वो सब हमें पता ही नहीं चलती, क्योंकि वो किसी और के, जैसे हमने सुनाई कि कितनी सारी हमारी जो यूनिवर्सिटीज थी या कितनी सारी हमारी बुक्स थी, वेद व्यास, वो सब जला दिए गए थे। फिर भी इन लोगों की वजह से इतना कुछ रहा कि हमें एटलीस्ट पता तो है किसी ने नुकसान पहुंचाया। मतलब हमें तो पता ही नहीं चलता क्योंकि हमारे पास हिस्ट्री ही नहीं थी, तो हमें कोई बताता ही नहीं कि हमारे पास कुछ जैसा हमें अंग्रेजों ने कह दिया कि हाँ तुम्हारी कोई वैल्यू ही नहीं है, तुम स्लेव्स हो, हम उसी लेवल पे रहते हैं। उसी लेवल पे रहते हैं, बट बहुत बड़ी चीजें हैं यार, बहुत बड़ी चीजें हैं, और उसके बारे में तो चर्चा मतलब होती ही रहेगी। खैर अब बात कर ले ट्रेलर के बारे में, तो ट्रेलर बहुत ही अच्छा है, गूज़बम्स लाने वाला ट्रेलर था। ठीक है, एक एक शब्द, एक एक उसमें पूर्ण स्वराज्य की ही बातें हो रही थी, मतलब भाई जी जान लगा दी। और आपने देखा कि सिर्फ 7 लोगों ने इतनी बड़ी सेना से लड़ाई करी है, कितनी बड़ी चीज है, इतनी बड़ी चीज है, मतलब क्या ही इनकी हिम्मत होगी भाई कि 7, मतलब आपके सामने अगर 2 लोग खड़े हो जाते हैं तो अपन ऐसे ऐसे हो जाते हैं। सही बात, मतलब उनके वो तो सिर्फ 7 लोग, तो उनके सामने पता नहीं कितने हजारों की सेना खड़ी थी और लड़े, और आगे की स्टोरी तो ये भी नहीं सोचा कि पीछे कौन खड़ा है, पीछे परिवार है, लाइक कुछ नहीं। पहले सिर्फ ये था कि हमें अपना देश सुरक्षित करना है, बस। तो यही चीज आज भी हमारे हो रही है, होनी चाहिए। लाइक काफी लोग ना, जैसे हमने हम सुनने में ही आता है कि इसने इन्फॉर्मेशन दे दी, उसने इन्फॉर्मेशन दे दी, लाइक बॉर्डर्स पे इतना, तो वो एक्चुअली जो इंटरनली जो होते हैं लोग, हाँ, जो मिस इन्फॉर्मेशन हर जगह पे होते होंगे यार इस टाइम पे भी, नहीं होते पर हाँ, पहले स्वराज्य की भावना बहुत ज्यादा थी, अब ऑब्वियसली थोड़ी कम हो गई है, पर उतनी कम नहीं हुई है। हाँ, उतनी कम नहीं हुई है, लेकिन हमारे देश में तो नहीं हुई है। देश में तो पर आपके क्या ओपिनियन है, आपको क्या लगता है, आप कमेंट करके बताना, आपको कैसा लगा ट्रेलर ये भी कमेंट करके बताना। और ऐसे ही और भी गाने, मूवी जो हमारी इंडियन हिस्ट्री को और हमारे लाइक महाराष्ट्रीय कल्चर को प्रमोट करते हैं, वो भी आप बताना, तो हम जरूर देखेंगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।